भाई साहब, जी अभी दूसरी बार बच्चा देगी, ठीक है जी, बच्चा देने में 15 दिन का समय बाकी है जी इसका, ठीक है जी, और इसने पहली ही बार में 24 से 25 लीटर दूध रखा है जी। ठीक है जी। हाँ जी, तन्वी जी कितने दिन पेंडिंग रह गए इसके बयाने इसके में? अभी 15 दिन पेंडिंग है जी बयाने में। 15 दिन पेंडिंग पड़े हैं हाँ दोस्तों। जी, फुल हाइट लेंथ की गाय है जी, और दूसरे ब्याह में बयाना है? हाँ जी, दूसरे बार भी आएगी जी। ठीक है जी। और फुल ब्रीड की गाय है जी, हाइट का अंदाजा आप रणवीर जी की हाइट से लगवा सकते हो जी। बड़े हाइट की गाय है जी, छोटी हाइट की गाय इनके पास बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। फुल ठंडी सूदी जैसे मर्जी भाई साहब, ये दूसरे बार भी आएगी जी। ठीक है अभी जी, ब्याने में 1 हफ्ते का टाइम बाकी है इसका जी, ठीक है और जी, इसने पहली बार में 26 से 27 लीटर दूध दिया हुआ है जी। ठीक है जी। अभी कितने दिन पेंडिंग है जी अभी ब्याने? 1 हफ्ता ले जाएगी, 7 से 8 दिन इसके पेंडिंग है ब्याने में। ठीक है जी। हाँ जी, रणवीर जी मोल भाव क्या कर रहे हो जी इसका? मोल इसका जी 95,000 रुपया है जी। रणवीर जी कोई मान सम्मान हो हाँ जी, जाएगा? मान सम्मान हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा इसके मोल भाव में जी। ठीक है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं जी आपका अपने YouTube चैनल रामगढ़िया फार्मिंग में। दोस्तों आज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो नए घर से लेकर हाजिर है जी। जो भाई अपनी वीडियो पहली बार देख रहे हैं जी, वो अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जी। दोस्तों जो आज की वीडियो कवर कर रहे हैं जी, वो राजस्थान श्री गंगानगर का एरिया है जी, और जो इनको तहसील पड़ती है जी वो रायसनगर पड़ती है जी, और पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया है जी। दोस्तों आज आपको वीडियो में 4 गायें सेल के लिए दिखाएंगे जी। चारों गायों की डिटेल अपने जो इस डेयरी फार्म के ओनर हैं उनसे लेंगे जी, और किस भाव की ये गायें हैं जी और किस दूध की गायें हैं जी, सारी जानकारी अपने भाई से लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है भाई? बढ़िया जी, अपने सुनाओ। सबसे पहले आप अपने गांव का एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर शेयर कीजिए जी। मेरा नाम रणवीर सिंह बराड़ है जी, मेरा मोबाइल नंबर है 95,496,062,55। ठीक है जी। और मेरा नंबर है? हाँ जी, और भी कोई? हाँ जी, एक है 90,018,15,044। ठीक है जी। और मेरे गांव का नाम है थांदेवाला 3FFB, तहसील रायसिंह नगर है, जिला श्री गंगानगर है जी। ठीक है जी। आपकी जो डेयरी फार्म का नाम है जी, वो किस नाम? वो बराड़ डेयरी फार्म से है जी। ठीक है जी। रणवीर जी आपके पास मैं देख रहा हूँ, मैं पहले भी आपके पास आता हूँ, आपके पास अच्छी अच्छी गायें खड़ी होती है, ज्यादातर आपके पास ज्यादा दूध वाली? हाँ जी भाई साहब, अपने ज्यादातर बड़ी गायों के काम है, छोटी गाय नहीं लेते जी, बहुत कम लेते हैं छोटी गाय। ठीक है जी। लगभग मतलब ज्यादा बड़ी? हाँ जी, 20 से प्लस और 30 तक की। आज स्टार्टिंग में दूध में कितने दूध वाली गायें हैं? दूध से आज भाई साहब 12 से लेके 30 लीटर तक की है। ठीक है जी। और स्टार्टिंग प्राइस और एंड प्राइस क्या है जी? स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 37,000 रुपया जी। ठीक है। और लास्ट प्राइस रहेगा 95,000 रुपया। रणवीर जी ये जो आप प्राइस बता रहे हो बिना ट्रांसपोर्ट के? हाँ जी, बिना ट्रांसपोर्ट के यहाँ का प्राइस है अभी। ठीक है जी। अगर किसी भाई ने ट्रांसपोर्ट लेना हो आपसे जैसे, वो अलग लगेगा, जो भी लगेगा खर्चा भाई साहब। ठीक है जी। हाँ जी, अलग से होगा? अलग से होगा। रणवीर जी चारों गायों की, दोस्तों चारों गायों की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, चलाने के साथ साथ आपको गायों की डिटेल भी देते हैं जी। रणवीर जी आ जाओ आप मेरे पास और गायों की डिटेल दीजिए जी। हाँ जी। हाँ जी रणवीर जी, जो पहले नंबर पर आप गायें दिखा रहे हो जी, इसकी डिटेल दीजिए जी। इसकी डिटेल भाई साहब, ये दूसरे बार भी आएगी जी। ठीक है। अभी ब्याने में 1 हफ्ते का टाइम बाकी है इसका जी। ठीक है। और इसने पहली बार में 26 से 27 लीटर दूध दिया हुआ है जी। ठीक है जी। अभी कितने दिन पेंडिंग है जी? अभी 1 हफ्ता ले जाएगी, 7 से 8 दिन इसके पेंडिंग है ब्याने में। ठीक है जी। हाँ जी। रणवीर जी मोल भाव क्या कर रहे हो जी? मोल इसका जी 95,000 रुपया है जी। रणवीर जी कोई मान सम्मान हो जाएगा? हाँ जी, मान सम्मान हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा इसके मोल भाव में जी। ठीक है जी। हाँ जी। दोस्तों दूसरे ब्यात में ब्याने वाली HF गायें हैं जी, और अडर की सेटिंग देखिए जी आप। हाँ जी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट अडर की गायें हैं जी इस और... बार 30 से प्लस चलेगी जी ये। ठीक है जी। दूसरे ब्यात में? दूसरे ब्यात में 30 से प्लस चलेगी जी। दोस्तों आंचलों का गैप और अडर क्वालिटी आपके सामने है जी, बहुत ही शानदार बछड़ी है जी। दोस्तों इनके पास जितनी भी गायें आपको मिलेंगी, ये आज की नहीं, कभी भी आप इनके फार्म पर विजिट करके आप इनसे अच्छी से अच्छी गायें खरीद सकते हो। हमेशा इनके पास बड़ी गायें ही मिलेंगी आपको, और भैंसों का भी इनका काम है जी। रणवीर जी आगे गायें लेकर आइए जी। दोस्तों एक और शानदार HF गायें हैं जी। हाँ जी रणवीर जी, डिटेल बताइए जी इसकी। भाई साहब, जी अभी दूसरी बार बच्चा देगी। ठीक है जी। बच्चा देने में 15 दिन का समय बाकी है जी इसका। ठीक है जी। और इसने पहली ही बार में 24 से 25 लीटर दूध रखा है जी। ठीक
ठीक है जी। हाँ जी रणवीर जी, कितने दिन पेंडिंग रह गए इसके बयान? इसके अभी 15 दिन पेंडिंग है जी बयान। 15 दिन पेंडिंग पड़े हैं। हाँ जी, फुल हाइट लेंथ की गाय है जी, और दूसरे ब्याह में बयान है? हाँ जी, दूसरे बार भी आएगी जी। ठीक है जी, और फुल ब्रीड की गाय है जी, हाइट का अंदाजा आप रणवीर जी की हाइट से लगवा सकते हो जी। बड़े हाइट की गाय है जी, छोटी हाइट की गाय इनके पास बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। फुल ठंडी सूदी जैसे मर्जी बैठो, फुल बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय है जी। रणवीर जी, मोल भाव इसका क्या रखा है जी? मोल भाव इसका रखा है जी 87,000 रुपया जी। 87,000 रुपये इसका, 87,000 इन्होंने इसका प्राइस रखा है जी। दूसरे ब्यात में ब्याने वाली शानदार HF गाय है जी। बांध दो जी, ले जा दोस्तों। एक और HF गाय है जी, रणवीर जी डिटेल बताइए जी इसकी। डिटेल है जी, अभी तीसरा बार भी आएगी जी, जेन्युइन है। हाँ जी, जेन्युइन तीसरी बार बच्चा देगी, और बच्चा देने में 15 दिन का टाइम बाकी है इसका जी। 15 दिन बाकी। हाँ जी ठीक है। और इसने दूसरी बार में 23 से 24 लीटर दूध दिया है जी। ठीक है जी, इस बार 25 से प्लस चलेगी। मतलब आप ज्यादा नहीं बोलो? ज्यादा नहीं, जो हद देगी वही बोल रहे हैं, रियलिटी है जो जी। ठीक है जी। हाँ दूसरों जी। जो ब्यात में कहने को तो तीसरे दूसरे में भी चलती है। हाँ जी, लेकिन जो जेन्युइन बात है जी, तीसरे ब्यात में ब्याने वाली गाय है जी, बढ़िया हाइट लेंथ की गाय है जी, और 25 लीटर दूध इसने दूसरे ब्यात में रखा हुआ है जी। रणवीर जी, मोल भाव इसका क्या कर रहे हो जी? इसका मोल भाव 80,000 रुपये है जी। 80,000 रुपये इसका मोल भाव रखा है जी भाई ने। हाँ जी दोस्तों, इनके पास हमेशा अच्छी अच्छी गायें ही सेल के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं। रणवीर जी, अगर किसी भाई ने आपसे एक गायों का लोट लेना हो तो मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा, जो भी भाई लेना चाहे, एक लेन नहीं हो, गाड़ी का माल लेना हो, सभी तरह के पशु मिल जाएंगे। रणवीर जी, ब्रीड के या क्रॉस ब्रीड के भी मिल जाएंगे? जैसे मर्जी पशु चाहिए वैसे ही उनको मिल जाएंगी। भैंस तो आपके पास खड़ी है? हाँ जी, भैंस भी मिल जाएगी, क्रॉस ब्रीड गायें भी मिल जाएगी, और क्वालिटी में भी मिल जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, किसी भी गाय के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, इनमें से कोई भी गाय आपने खरीदनी हो, तो स्क्रीन पर रणवीर जी का नंबर है जी, आप उनसे। हाँ जी रणवीर जी, ये जो पहले ब्यात की गाय है जी, इसकी डिटेल शेयर कीजिए जी। भाई इसको आज तीसरा दिन ब्याई को हो गया जी, मुंह में से बिंदा तक खीरी बछड़ी, खीरी बछड़ी है जी, पीछे बछड़ा है जी। ठीक है जी, और इस बार दूध जो देगी 12 से 13 लीटर, 18 महीने की बछड़ी है जी, दिख रहा है जी, देखा नहीं लग रहा है जी, मुंह से खीरी है जी, मुंह से खीरी है, 18 महीने की बछड़ी है जी, और तीसरा आज दिन ब्याई को है, और 12 से 13 लीटर दूध की क्षमता रहेगी। अभी मौके का दूध कितना रहेगा? अभी मौके का 10 लीटर खीस है जी। ठीक है जी। हाँ जी, मोल भाव क्या रखा? मोल इसका 37,000 रुपये है जी, देने यहाँ से देना है? हाँ जी, 37,000 रुपये। हाँ जी, फिक्स प्राइस है 37,000 रुपये यहाँ का इसका, 12 लीटर दूध वाली क्षमता वाली गाय। हाँ जी दोस्तों, क्रॉस ब्रीड की गाय है जी, और पहले ब्यात में ब्याई हुई, 18 महीने की बछड़ियों में, अभी इस गाय ने हाइट लेंथ ग्रोथ सब कुछ करना है जी, पहले ब्यात में ब्याई हुई क्रॉस गाय है जी। दोस्तों, 4 गायों की डिटेल आपके साथ शेयर कर चुके हैं जी, और चारों गायें आज सेल के लिए रणवीर जी के पास मौजूद है जी। दोस्तों, किसी भी भाई ने किसी भी गाय के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों इनका गायों के साथ साथ भैंसों का भी काम है जी, अच्छी अच्छी भैंसें इनके पास हर समय सेल के लिए मौजूद रहती हैं जी। किसी भी भाई ने भैंसों के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई भैंस खरीदनी हो तो बाहर से भी इनके पास कस्टमर आते हैं जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी भाई बंधु ने गायें खरीदनी हो या भैंस खरीदनी हो, आप इनसे संपर्क कर सकते हो जी। धन्यवाद।